Assalamu alaikum to my all friends and welcome to my channel Construction Tips and Method. Today's our topic is how to choose a contractor in for a right construction. My friend, ये बहुत अहम सवाल है कि आप किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें और किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट अलॉट करें कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट अलॉट करें. कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनपढ़ बंदे से आप बहस नहीं कर सकते, उसको अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर सकते. वो एक मेंट की तरह होता है जिसकी सारी ज़िंदगी उसी कुएं में रह जाती है, उसमें ग्रूम होने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता. इंसान वो होता है जो वक्त के साथ ख़ुद को तब्दील करे और मार्केट में क्या चीज़ नई है, फ्रेश है, उसको अडॉप्ट करे. हमारे यहाँ एक टिपिकल माइंड ऑफ सेट है कि हम लोग जो बंदा उम्र दराज होता है या बड़ी उम्र का होता है उसको अपना कॉन्ट्रैक्टर अलॉट कर देते हैं कि यार ये शायद हमारे लिए कुछ बेहतर होगा. पर ऐसा लाजमी नहीं. कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने के लिए सबसे पहले उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आपकी जो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स होती हैं उसको पढ़ना, समझना, उस एंगल्स को समझना वो ज़रूर आना चाहिए. प्लस उसके साथ साथ उसको स्ट्रक्चर के बारे में भी नॉलेज हो कि स्ट्रक्चर को किस तरह डिज़ाइन किया गया है, किस तरह उसको कैलकुलेट करना है, किस तरह आपका स्टील कैलकुलेट करना है ताकि आपका जो स्टील वेस्टिंग है वो कम से कम हो सके. और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसका ईमानदार होना. अगर वो बेईमान है तो आपकी सारी कैपिटल एक गलत हाथ में है. कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई. हर बंदा यही सोचता है कि मैं ईमानदार हूँ, हर बंदा यही सोचता है कि मैं लायक हूँ, हर बंदा यही सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है. लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के लिए थोड़ी सी सोच मुख्तलिफ होनी चाहिए इंसान की. जैसे हम मैथ में पढ़ते थे, दो जमा दो ज़रबे दो यानी 2+2 × 2 इज़ इक्वल टू इज़ नॉट एन 8, इट इज़ 6 बिकॉज यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर. अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसको 8 नहीं कहेंगे, उसको 6 कहेंगे. और 6 इज़ द राइट आंसर. एक ले मैन या कॉमन मैन उसको 8 ही पड़ेगा. ये दो का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वही निकाल सकता है जो कंस्ट्रक्शन को बखूबी समझता है. जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके पास एक हैंडसम टीम होनी चाहिए. मल्टीपल टीम्स होती हैं, उसमें आपके शटरिंग्स वाले होते हैं, उसमें आपके मेसन्स होते हैं, उसके अंदर आपके प्लसर्स टीम होती है, सेंट्री टीम होती है, इलेक्ट्रिक टीम होती है. मकसद यह है कि उसके पास अपना होमवर्क यानी अपनी होमवर्क टीम कंप्लीट होनी चाहिए. मेरा इस क्वेश्चन को राइज करने का मकसद यही था कि मैं आप अपने व्यूवर्स को ये चीज़ बता सकूं, उनको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन टिप्स दे सकूं या उनको उस मेथड पर ला सकूं जो आजकल के ज़माने में चल रहा है. हमारे यहाँ जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो पहला सवाल होता है कवर्ड एरिया. What is covered area? जो आर्किटेक्चर ड्राइंग होती हैं उसके अंदर जो कवर्ड एरिया मार्क होता है वो वॉल टू वॉल होता है, यानी दीवार से लेके दीवार तक. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कंक्रीट टू कंक्रीट उसको कैलकुलेट करना चाहता है कि भाई जहाँ से कंक्रीट शुरू हुई मैं दूसरी साइड पे जहाँ पे कंक्रीट एंड हो रही है मैं उस कंक्रीट तक उसको कैलकुलेट करूँगा. प्लस एक बोनस पीरियड बना के रखता है कि जी एक्स्ट्रा वर्क इज नॉट इंक्लूडेड इन कवर्ड एरिया. हमारी सोच कुछ थोड़ी डिफरेंट है. हम सोचते हैं कि जब इंसान कंस्ट्रक्शन कर रहा है, किसी का भी हाउस कंस्ट्रक्ट करता है, वो बड़ा खुश होता है, उसके अंदर बहुत खुशी होती है. वो चाहता है कि जी मेरा घर बस जल्दी जल्दी बन जाए और मैं जल्दी जल्दी अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ. पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का एक मेथड है. हमारे यहाँ ऐसा भी देखने को आता है कि हम लोग काम शुरू करते हैं को कहते हैं कि भाई नहीं दिन रात करें, हमें बस फटाफट घर चाहिए. लेकिन ये नहीं सोचते कि किसी भी काम को करने के लिए एक वक्त दरकार होता है, उस वक्त के हिसाब से आपने काम करना है. ये नहीं करना कि आपने जी एक दिन में सारा कुछ हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं. इस तरह आपका भी नुकसान है, उस कॉन्ट्रैक्टर का भी नुकसान है, और आप भी परेशान हैं और वो भी परेशान है. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए जब आप कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करते हैं उसकी खूबी कि उसमें तहम्मुल होना चाहिए.
अगर वो जज्बाती बंदा है तो कंस्ट्रक्शन जज्बाती बंदे का काम नहीं है। तहम्मुल बुदबारी बहुत लाजमी है कंस्ट्रक्शन के अंदर। दूसरी चीज़, आप उसको इस बात से फाइनलाइज करें कि भाई कंस्ट्रक्शन जो भी रेट आप उनको दे रहे हैं, जो भी एग्रीमेंट आप उसे कर रहे हैं, उसको फॉलोअप दें कि भाई एक्स्ट्रा वर्क इंक्लूड इन दिस रेट्स। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर भाई होते हैं वो एक्स्ट्रा काम अपने कवर हुए काम से ज़्यादा बिल बना देते हैं। और ये सब मेरे शहर, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, यहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन है कि कॉन्ट्रैक्टर भाई एक्स्ट्रा वर्क के नाम पे क्लाइंट्स को लूट लेते हैं। ये गलत है। जो इंसान अपना घर बनाता है, अपनी ख्वाहिशात को मार के, अपने एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा कैपिटल, बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो उस पर लगाता है ताकि वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, अपनी घर वाली के लिए, अपने वाइफ के लिए एक अच्छा सा घर बना सके, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर में मिस्टेक है, वो मिस्टेक कभी भी हल नहीं हो सकती। ये चीज़ याद रखें, जो कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं कि आपने फाउंडेशन किस तरह निकालनी है, उसको टाइम ड्यूरेशन कितना देना है ट्राई करने के लिए, कंक्रीट पीरियड है, उस कंक्रीट पीरियड को कितना टाइम देना है, ये तमाम बातें आप कॉन्ट्रैक्टर से वेरी फर्स्ट डे डिस्कस करें और उसे क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कंक्रीट को ड्राई पीरियड कितना देना चाहिए इन विंटर और इन समर। हम लोग सोचते हैं कि आज कंक्रीट किया तो कल हम उसके ऊपर से दोबारा काम कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। कंक्रीट का एक सर्टन टाइम होता है जिसके बाद वो ड्राई होती है, उसके बाद आप काम आगे कर सकते हैं। इसी तरह जो मेसन वर्क होता है, जिसको आप ब्रिक वर्क भी कहते हैं, उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद उस पर आप एक्टिविटी फर्दर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फटाफट दो की जगह चार बंदे लगाए और काम ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं। हर काम के लिए एक वक्त दरकार है, उस वक्त के लिहाज से आपको काम करना है। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इम्पोर्टेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको आप बाउंड करें कि वो अपने लेवल्स लेके कंस्ट्रक्ट करें। ये नहीं कि आंखें बंद की और काम शुरू कर दिया। आपका जो लेवल पॉइंट होता है, जो मार्क लेवल पॉइंट है, सबसे पहले उसको मार्क करें ताकि कोई भी आपकी लेवल्स की मिस्टेक ना हो। ऐसा नहीं हो कि आपने घर बनाया, पता लगा कि वो रोड से 4 फुट ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेथड आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का है, इसी तरह वही मेथड आप हर एक्टिविटी के बाद अपना लेवल को रीचेक करें ताकि कोई भी मिनी माइनर मिस्टेक ना हो सके, वरना बाद में आपके लिए परेशानी है। और उसको बाउंड करें कि ये तमाम लेवल वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपको आए बगाए चेक कराता जाए और दिखाता जाए कि सर ये देखें लेवल्स ओके, सर ये देखें लेवल इज़ ओके। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी लेंटर, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, कोई भी लेंटर इंस्टेड ऑफ आपका फाइनल रूफ लेंटर, उसके अलावा कोई भी लेंटर में स्लोप मार्क नहीं होनी चाहिए। वो लेंटर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है कि कहाँ से मैंने अपने शटरिंग को टाइट अप करना है, तो लेंटर का एट द एंड मेरा स्ट्रेट लाइन आएगा और मिस्टेक नहीं आएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मकसद यही है कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको हायर करने के लिए जो बेसिक पॉइंट हैं, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोई मिस्टेक या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करते हुए आप परेशान नहीं होंगे। फर्स्ट चीज़, कॉन्ट्रैक्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए। सेकंड चीज़, उसको ड्राइंग्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। थर्ड चीज़, उसको अपने कंस्ट्रक्शन मेथड, जो पैटर्न ऑफ मेथड होता है या ब्रेकिंग ऑफ द मेथड होता है, वो पता होना चाहिए। फोर्थ चीज़, उसको BOQ बनाना आना चाहिए कि किस तरह क्वांटिटी को हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ कि उसको अपने लेवल्स के बारे में मुकम्मल नॉलेज हो। वेरी नेक्स्ट पॉइंट, उसके पास अपनी तमाम टीम्स होनी चाहिए कि जो टीम है वो उसका साथ दे रही है और उसके पास तमाम टीम है। अगर ये तमाम खूबियाँ किसी भी कॉन्ट्रैक्टर में है और उस पर तहम्मुल है, ही इज़ द बेस्ट फॉर योर कंस्ट्रक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड पुश द बेल आइकन एंड सपोर्ट मी. थैंक यू डियर्स. अस्सलाम वालेकुम.